WWE News, सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस की बीमारी और रिकवरी पर कही बड़ी बात। इन दिनों WWE से अपनी बीमारी के कारण बाहर चल रहे रोमन रेंस को लेकर साथी रेसलर लगातार बयान दे रहे हैं। रोमन रेंस के दोस्त और उनकी टीम शील्ड के पार्टनर सेथ रॉलिंस ने भी रोमन रेंस के बारे में बयान दिया है। हाल ही में हुए एक इंटरव्यू के दौरान जब सेथ रॉलिंस से रोमन रेंस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सीधे उत्तर देते हुए बताया कि उन्होंने रैंस की याद आती है। बिग डॉग के बारे में बोलते हुए सेथ ने कहा, मेरा एक भी दिन रोमन रेंस को याद किए बिना नहीं गुजरता, लेकिन रोमन रेंस काफी स्ट्रांग है और वह मानसिक एवं शारीरिक रूप से इस बीमारी का सामना आसानी से कर लेंगे। इसके अलावा सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस की तबीयत को लेकर भी बात की। उनके अनुसार रोमन रेंस की ल्यूकीमिया बीमारी से रिकवरी काफी अच्छी चल रही है। वहीं सेथ रॉलिंस ने यह भी कहा कि पिछले कुछ महीने उनके और उनकी टीम शील्ड के लिए एक रोलर कोस्टर राइड के जैसे गुजरे हैं। पिछले महीने रोमन रेंस बीमारी की वजह से बाहर हो गए और उसी रात शील्ड भी टूट गई। WWE का 3 नवंबर को लाइव इवेंट स्पेन के मेरिड में आयोजित किया गया था, जहां पर फैंस को डीन एम्ब्रोज एक बार फिर से सेथ रॉलिंस के ऊपर हमला करते हुए नजर आए। यह हमला डीन एम्ब्रोज ने तब किया जब मेन इवेंट के दौरान सेथ रॉलिंस ने बैरन कॉर्बिन को हराया था, जिसके बाद वह अपनी जीत का सेलिब्रेशन कर रहे थे। डीन एम्ब्रोज के इस तरह किए गए सेथ रॉलिंस के ऊपर हमले से वहां बैठे सभी दर्शक अचंभित रह गए। इस प्रकार डीन एम्ब्रोज और सेथ रॉलिंस के बीच में लड़ाई पर्सनल होते हुए नजर आ रही है। अब देखना यह है कि इस लड़ाई के अंत में किसकी जीत होती है। देखेंगे दोस्तों, ऐसे और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यह फ्री है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।